आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू कराना चाहेंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस कोरोना की दूसरी लहर में जहां पे लोग भारी संख्या में मर रहे हैं और अपनी जान की, मतलब ऐसा कहिए कि अपनी जान जो होती है सबको प्यारी होती है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि एक 85 वर्ष के बुज़ुर्ग ने अपना जो बेड है किसी दूसरे पेशेंट के लिए खुद ही छोड़ दिया और बेड छोड़ने के 3 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में, इस पूरी खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। पूरा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है और इस महामारी की दूसरी लहर ने सबको बर्बाद कर रखा है। हर दिन लोग हजारों की तादाद में मर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ना ही उनको ऑक्सीजन मिल पा रही है। और हर इंसान अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है क्योंकि खुद की जान का डर सबको होता है। इसी बीच एक निस्वार्थ बलिदान की खबर सामने आई है जिसमें एक RSS कार्यकर्ता नारायण दबकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में बिताया है, जब कोरोना पॉजिटिव हुए तब उनकी बेटी ने उन्हें शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराने की कोशिश की और काफ़ी मशक्कत के बाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में उनके लिए बेड भी रिजर्व करने में सफल हो गई। नारायण जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल की औपचारिकता को पूरा करने के लिए दोनों इंतजार कर रहे थे कि तभी एक 40 वर्ष की महिला अपने बच्चों के साथ वहां पर रोते हुए आई और अपने पति को हॉस्पिटल में एडमिट करने की गुहार लगाने लगी, जिसकी हालत बेहद खराब थी। जिसे देखते हुए नारायण जी ने मेडिकल टीम को सूचित किया कि उनका जो बेड है इस महिला के पति को दे दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैं 85 वर्ष का हो चुका हूं, मैंने अपना जीवन जी लिया है, आपको मेरे बदले इस आदमी को बेड ऑफर करना चाहिए क्योंकि इसके बच्चों को इसकी ज़रूरत है। ये कहते हुए उन्होंने अपना बेड छोड़ दिया और घर चले आए और अगले 3 दिनों तक जितना हो सका उन्होंने इस वायरस से जंग लड़ी और आखिर में अपना देह त्याग दिया। इस त्याग और निस्वार्थ बलिदान ने उन्हें लोगों के जहन में अमर बना दिया है और जाते जाते भी उन्होंने सबके लिए संदेश दे दिया कि जितना हो सके इस वक्त एक दूसरे के लिए खड़े रहें, एक दूसरे की मदद करें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।